तो अगर हम लोग प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड्स की बात करें तो जो क्वार्टर लीटर और जो 350 से 450 सीसी का जो मिड साइज़ सेगमेंट है वो इट इज़ नाउ टू बिग टू बी इग्नोर्ड अब बहुत ही ज़्यादा क्रुशल और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये सेगमेंट पहले बी एमडब्ल्यू मोटरार ने सेगमेंट में एंटर किया था विद द लॉन्च ऑफ दिया थ्री हंड्रेड सी मोटरसाइकल्स और ट्री विल बी द नेक्स्ट एज द न्यू स्ट्रीट रोड शर हेज़ बिन स्पॉटेड इन प्रोडक्शन रेडी फॉर्म एक स्क्रैम्बलर जो कि सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगी इट विल आल्सो बी लॉन्च साइमल्टेनियसली वाइल जो एग्जैक्ट कैपेसिटी रहने वाली है ट्रेम्स की एंट्री लेवल बोनेविल मोटरसाइकिल्स की इट इज़ नॉट नोन येट बट कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था पहले कि ये जो मोटरसाइकिल रहेगी इनकी एंट्री लेवल वाली वो रहेगी विद इन द रेंज ऑफ टू से सिक्स हंड्रेड की सेगमेंट में तो ये जो नई बाइक्स हैं जिसको स्पॉट uh, किया गया है दीज हैव बीन डेवलप बाई ट्रेय्स यू के आर एन डी डिवीज़न वाइल जो प्रोडक्शन है वो बजाज संभालेगा लॉन्च की बात करें तो आप बहुत ही जल्द इसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसको अब स्पाई किया गया है, इसके दोनों ही वेरियंट को हालाँकि स्पाई किया गया है प्रोडक्शन रेडी वेरियंट में तो लॉन्चिंग भी बहुत ही जल्द इसकी कर दी जाएगी तो दो वेरियंट में निकाला जाएगा एक इसका क्लासिक वर्जन रहेगा और एक स्क्रैबलर रहेगा तो जो क्लासिक वर्जन है इट विल टेक ऑन द लाइक्स ऑफ रॉयल एनफील्ड मिटी और वाइल ज स्क्रैमलर वेरियंट विल टेक ऑन हंटर एन तो अगर हम लोग इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो रेट्रो थीम इज क्लियरली एविडेंट विथ सच सचैस राउंड हेड हेडलैम्पस एंड रियर व्यू मिरर बाकी की फीचर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स यू एस जी फ्रंट फॉक्स चीज फ्यूल टैंक डिज़ाइन विद क्रोम फिलर कैप ऑल एल ई डी लाइट्स ट्विन पी सीट विद क्विटिड पैटर्न स्टिचिंग एंड अप स्वेप एग्जॉस्ट इसके अलावा फाइन डिटेलिंग कैन बी सीन ऑन एक्सपोज इंजन पार्ट्स विच एनहेंसिस द बाइक्स ओवरऑल लुक एंड फील अगर हम लोग इसके न्यू एंट्री लेवल रोडस्टर की बात करें तो इट यूटिलाइज अ ट्यूबलर फ्रेम विद अ कास्ट स्विंग आर्म सेवनटीन इंचज़ के व्हील मिल जाएंगे दोनों आगे पीछे दोनों टायर सेक्शन की तो तो बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ वन हंड्रेड टेन बाई सेवेंटी फ्रंट टायर एंड हंड्रेड एंड फिफ्टी बाय सिक्सटी रियर टायर एस्थेटिकली द बाइक अपेयर्स टू ऑफर अ जुडिशियस मिक्स ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न फीचर्स वाइल जो कुछ फीचर्स हैं इसके इट इज़ इंस्पायर्ड बायनोवेल रेंज और बाकी इसके जो फीचर्स हैं दे आर सिमिलर टू ट्राइड एंड तो इसकी नई एंट्री लेवल बाइक्स के साथ ट्रेम जो है वो मल्टीपल मार्केट्स को ग्लोबली टारगेट uh, कर सकता है अब आर्ट फॉमेट्स होम मार्केट यू के सिग्नीफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंट्रीज़ में जैसे कि इंडोनेशिया और फ़िलिपेंस हो गई तो जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो दिस बाइक दिस बाइक विल राइवल बी एम डब्ल्यू थ्री हंड्रेड टेन सी सी मोटरसाइकल्स एंड के टी एम थ्री हंड्रेड एंड टेन थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी मॉडल्स तो इवन दो ये बाइक मैनुफेक्चर की जा रही है बजाज के द्वारा बट स्टिल इट वॉन्ट बी अफोर्डेबल एज रॉयल एनफील्ड एट लीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्राइज़ की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस का रहने वाला है एट अराउंड यूरो फाइव थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि अप्रोक्सीमेटली है रुपीज़ फोर पॉइंट एट्टी लैख रुपीज़ फाइव पॉइंट टू एट लैक ऑल दो ये सबसे स्मॉलेस्ट और चीपेस्ट जेम मोटरसाइकिल रहने वाली है बट अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्क्रैम्बलर वर्जन भी इसका लॉन्च किया जाएगा जो कि इसके सेम प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड रहेगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं तो उसके फीचर्स की बात करें तो इट इज़ इक्विप्ड विद लार्जर एलॉय व्हील्स हैंड गार्ड्स शॉर्ट गन स्टाइल अप एग्जॉस्ट स्प्लिट सीट्स एंड डूल परपज़ एडवेंचर ट्रेड टायर्स बाकी की जो बाइक की प्रोफाइल है इट इज़ लार्जली एज सिमिलर एज दैट ऑफ स्ट्रीट रोडस्टर तो इसकी अगर प्राइज़ की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली है अराउंड टू लैक वैसे अगर प्राइज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो अगर ट्रैम्प और बजाज कहीं से भी रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने की सोच रहे हैं तो इनको प्राइस सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है वो है प्राइजिंग अगर ये लोग प्राइजिंग सही से रखते हैं तो इनका हो सकता है इनकी मोटरसाइकल्स को लोग एक्सेप्ट करें बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि लुक्स हो गया बाकी इंजन स्पेक्स वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह बाकी ऑफ रोडिंग वगैरह उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है टूरिंग कैपेबिलिटीज कितनी है कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी प्राइस कितनी होती है हालांकि ट्रैम जैसा प्रीमियम ब्रांड है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये बाइक जो है ये मतलब अपनी सेगमेंट में तो एटलीस्ट सबसे सस्ती नहीं रहने वाली है तो अपार्ट फ्रॉम दैट बजाज जो है उसने एक कंपनी है विंसट मोटरसाइकिल्स करके जो कि एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है उसके भी राइट्स बजाज ने ख़रीद लिए हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में बजाज की या उसकी एक बाइक आपको यहाँ भी भी इंडिया में भी देखने को मिल जाए तो अभी फ़िलहाल इसके रिगार्डिंग इतनी ही अपडेट है और कोई डिटेल या कुछ अगर इसके रिगार्डिंग और भी इनफोन निकल करके आती है तो मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कर दूँगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक Take care. Goodbye. Thank you very much.